क्या आपका नाम? रिदा हुसैन। ये टूर्नामेंट 5 फरवरी से शुरू है, तो आपने इसमें कितने मैच खेले? मैंने 2 मैच खेले हैं। कितने जीते हैं इसमें? एक जीत ली थी और सेमीफाइनल हार गई। अच्छा, आपने आगे क्या, आपका क्या इरादा आगे? स्क्वाश को मैंने और भी स्क्वाश मैंने पढ़ाई के साथ साथ करती हूँ और स्क्वाश भी करती हूँ, पर सब ज्यादा मेरा फोकस है स्क्वाश पर, क्योंकि स्क्वाश मेरा फ्यूचर है। अच्छा, और कौन सी क्लास में पढ़ती हूँ? मैं 10th में पढ़ती हूँ। तो आपके क्या इरादे हैं कि आप स्क्वाश में आगे जाकर क्या करेंगे? स्क्वाश को मैंने आगे रखना है, मतलब इसके साथ मैं 3-4 चीज़ें और भी करती हूँ, ओलंपिक्स भी करती हूँ। अच्छा, तो स्क्वाश में आप मुल्क और कौम का नाम रोशन करने के लिए आप ये कोशिश कर रहे हैं? जी, और इंशाल्लाह। अच्छा, तो इस स्क्वाश में ही जाएंगे? जी स्क्वाश में। अच्छा, देखिए नाज़रीन, इस बच्ची के इरादे देखें कि इनके इरादे मजबूत हैं, ये मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहती है और ये हमारी शाइनिंग स्टार है, चमकते हुए सितारे हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। जो इरादे ये रखती हैं, जो पाकिस्तान के लिए ये मोहब्बत रखती है, पूरी दुनिया के लिए हमें ये है कि हम अमन लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं और इस स्क्वाश के जरिए पूरी दुनिया को अमन का पैगाम देती है। बेटा, कश्मीर के बारे में आप क्या कहेंगे? ये टूर्नामेंट कश्मीर के नाम डेडिकेट हुआ। स्क्वाश का हमने कश्मीर को डेडिकेट हमने किया है और मैं कश्मीरियों की दुआ करूँगी कि अल्लाह उनको आज़ाद करे और इंडिया मतलब इंडिया की कैद उनसे हटाए। जी, हर एक बच्चा के दिल में कश्मीरियों के साथ मोहब्बत है, उनके साथ यकजहती का इजहार करते हुए ये टूर्नामेंट कश्मीरियों के नाम डेडिकेट करेंगे। हमारी दुआ है कि कश्मीरियों के जो निहत्थे कश्मीर है, जो आए दिन उन पर जुल्म होते हैं, उनके नाम ये टूर्नामेंट हम डेडिकेट करते हैं कि हम उनको तनहा नहीं छोड़ेंगे इस मैदान में। पाकिस्तान जिंदाबाद। रोजनामा बयान का शुक्रिया अदा करती हूँ।